आपको जिनसे जांच करवानी हो जांच करवाइए, लेकिन जांच गुजरात का भी मुद्रा कोर्ट का होना चाहिए कि इस देश में आदिवासी होना, दलित होना, अल्पसंख्यक होना, महिला होना एक अभिशाप है मानवाद के लिए। अब अपने राज्य सरकारों की जो घोटाले, चाहे वो गुजरात के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, और मध्य प्रदेश का तो कीर्तिमान रहा है व्यापम का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ का एनसीपी का अजीत पवार का घोटाला हुआ, उनको 72 घंटे बीतने के बाद सीधा उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। कहाँ गया वो हेरोइन, वो ड्रग्स, और किसके माध्यम से आया था? आज डीआरआई क्यों नहीं बताती? महाराष्ट्र में तो गजब हुआ, लोग विधानसभा से निकला सीधा गुजरात पहुंच गया, गुजरात से निकला गुवाहाटी पहुंच गया, गुवाहाटी से निकला गोवा पहुंच गया, गोवा से निकला तो मुख्यमंत्री बन गया। गणेश चतुर्थी है, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, सबको जोहार। कल तीज भी था, तीज में भी आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अब तो लगता है कि त्यौहार और पर्व शुरू होने जा रहा है। केवल त्यौहार ही नहीं शुरू हो रहा है, लोकतंत्र का भी त्यौहार अब सामने आ गया। जो बौखलाहट अब सत्तारूढ़ भाजपा में दिखने लगी है, कि हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब से इंडिया के समन्वय समिति के सदस्य बने, तो हमको लगता है कि भाजपा में अजीब तरह का एक बौखलाहट आ गया। भाजपा को अब ये रास्ता दिख नहीं रहा कि झारखंड से कैसे भागे, इसलिए चारों तरफ से एक प्रोपोगेंडा, एक नैरेटिव गढ़ने का काम हो रहा है कि डिफेसमेंट करो। क्योंकि जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही, उससे अजीब बौखलाहट आ गया। कल आप सबने देखा होगा, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी का अनर्गल बातों के साथ सामने आता, अब अपने राज्य सरकारों की जो घोटाले, चाहे वो गुजरात के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, और मध्य प्रदेश का तो कीर्तिमान रहा है व्यापम का, उनको कितनी सुंदर तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ का एनसीपी का अजीत पवार का घोटाला हुआ, उनको 72 घंटे बीतने के बाद सीधा उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जिन पर दस्तावेज लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी आसाम में और बोली थी कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है हेमंत बिश्व शर्मा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उसी तरह कल उनका बौखलाहट हम लोगों के सामने आया।
हम पूछते हैं कि भाई गुजरात पावर कॉरपोरेशन का पैसा अडानी ने क्यों खाया जो गुजरात सरकार कहती है, तो वो हमसे सवाल पूछते हैं। आप सब यहाँ पर जो भी लोग हैं, राज्य बनने के बाद से ही आप देखे होंगे कि 2002 से ही सोरेन परिवार को जमीन से जोड़ने का फर्जी वाला चलाया जा रहा है। कल एक वीडियो क्लिप भी देखे, इसको 2002 में सबसे पहले तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, मैं यदि गलत नहीं कह रहा हूं तो शायद दुखा भगत जी थे, उन्होंने लाया था। और रघुवर जी ने जो दस्तावेज का पुलिंदा अपने कार्यकाल में दिखाया, SIT का गठन किया, हर 3 महीने में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वही दस्तावेज फिर से आया, वही दस्तावेज हाईकोर्ट में भी गया। जिसपे हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए जो प्रार्थी थे उन पर फाइन कर दी, पेनल्टी किया, SIT कमीशन देवाशीष गुप्ता की उन्होंने क्लीन चिट दी, केवल क्लीन चिट नहीं दी, उनका रिपोर्ट में कई भाजपा के नेताओं का नाम शामिल हो गया। ये स्थिति, आप हेमंत सोरेन से इतना बौखला क्यों गए? क्योंकि आपको मालूम है कि 2024 में आपका क्या हश्र होने जा रहा है यहां से। पहले कोरोना में असहयोग, टीकाकरण में असहयोग, हमारे जो मिनरल्स का रॉयल्टी है उसको रोकना, फिनांस कमीशन के हमारे पैसे को जबरदस्ती काट कर DVC को दे देना, सरकार तोड़ने की कोशिश, राज्यपाल के माध्यम से भ्रम फैलाना, केंद्रीय जांच एजेंसियों से भ्रम फैलाना, अब राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोलना, ये एक सतत प्रक्रिया बन गई है। जो पन्नों को फोटोकॉपी को आप दिखाते हैं आपके मुख्यमंत्री दिखाते थे, आप उसी फोटोकॉपी को फिर से दिखा रहे हैं। जो वीडियो वो सुनाते थे उसको आप फिर से सुना रहे हैं। तो करना आप क्या चाहते हैं? आप करना यही चाहते हैं कि लोग इन्हीं बातों पर उलझ जाए, लेकिन यहां तो सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे जो निश्चय थे
उनको प्रतिपादित करने में। आपको जिनसे जांच करवानी हो जांच करवाइए, लेकिन जांच गुजरात का भी मुद्रा कोर्ट का होना चाहिए। कहा गया वो हेरोइन, वो ड्रग्स और किसके माध्यम से आया था, आज DRI क्यों नहीं बताती? पूरा का पूरा मध्य प्रदेश सरकार को खरीद कर बनाया गया। कर्नाटक में तो उनको उठाकर मुंबई में ले जाके बंद कर दिया गया विधायक का। महाराष्ट्र में तो गजब हुआ, लोग विधानसभा से निकला सीधा गुजरात पहुंच गया, गुजरात से निकला गुवाहाटी पहुंच गया, गुवाहाटी से निकला गोवा पहुंच गया, गोवा से निकला तो मुख्यमंत्री बन गया। ये इनको नहीं दिखता और ये सबसे ये देश जानता भी नहीं। अब तो छत्तीसगढ़ में ये हाल है कि उनके जो चाणक्य ना क्या बोलते हैं वो लोग अमित शाह जी को, आम सभा भी ऑडिटोरियम के अंदर करते हैं। हम तो यहां पर भी बोले थे कि आप लोग को शतरंजी बाजार में जाकर आम सभा करना पड़ेगा। ये स्थिति है आज के दिन की, जो म्यूनिसिपल चुनाव लड़ने के लिए गए थे हैदराबाद में, जब हैदराबाद में हमारे इंडिया के नेता राहुल जी ने जब हुंकार भरी तो आप देखे होंगे, हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जनसभा कल हुआ परसों हुआ। ये डर हमारे मित्र दलों का, हमारे माननीय नेता का आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर समा गया। ये चीजें सही नहीं होती है, व्यक्तिगत आक्रमण सही दिशा नहीं होता है। आपका राजनीतिक विरोध है हमसे, आप हमारे से अच्छे लोकहित में प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन नहीं, आपको व्यक्तिगत ही चाहिए आक्रमण करना। ये मालूम है हम लोगों को कि इस देश में आदिवासी होना, दलित होना, अल्पसंख्यक होना, महिला होना एक अभिशाप है मानववाद के लिए। और इसका अंदेशा बाबा साहब ने 1946 में अपने पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंटेशन कमिटी की बैठक में कहा था कि हम यदि आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं दे सकते तो केवल और केवल राजनीतिक समानता से लोकतंत्र नहीं चल सकता।
यह अंदेशा उनको था। और आज इसीलिए जो मनुवादी पोषक तत्व है उनके गन पॉइंट पर आदिवासी होता है, उनके गन पॉइंट पर दलित होता है, उनके हिट लिस्ट में महिला होती है, अल्पसंख्यक होते हैं। भाजपा के इस जघन्य मिथ्या प्रचार का हम लोग निंदा करते हैं और जनता के बीच जाकर इसका डटकर मुकाबला करेंगे। धन्यवाद।